सूर्य तो बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ पूज्य वैदिक काल से और उनके चित्रण लेकिन पहली दूसरी शताब्दी के बाद जो सौर संप्रदाय गठित हुआ उस संप्रदाय में निश्चित रूप से विदेशी प्रभाव है विदेशी प्रभाव हमें वृत्तांत मिलता है कि कृष्ण के पुत्र सांब ने मूल स्थान में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया स्थान मुल्तान में लेकिन उस मंदिर के पुजारी के लिए कोई पंडित उन्हें यहाँ मिल नहीं रहा कोई तैयार नहीं हुआ कि हम मुल्तान में सूर्य के पूजा करें इनको फिर इनके ने राय दी कि आप अगर सूर्य मंदिर का पुरोहित चाहते हैं तो आप शक्तिप जाइए और वहां से सूर्य उपासक या सूर्य साधक पुजारी लेकर के आइए तो सांभ अपने पिता के गरुड़ वाहन में बैठकर कर शक्तिप गए वहाँ ईरान और वहां से वहाँ के जो वहाँ मिहिर का पूजा सूर्य उपासना उपासना बहुत बहुत व्यापक थी पिछले वहाँ के जो सूर्य उपासक थे वो मगी कहलाते थे वहाँ से मगियों को लाए और उन्होंने इस मुल्तान के मंदिर का पुरोहित पद स्वीकार किया उनके साथ साथ आने से सारी सूर्य पूजा की परंपरा भारत आ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ वैसी ही मूर्तियाँ बनने लगीं जैसी मूर्तियाँ वहाँ बनती थी और जैसी बनने लगी वही ट्रेडिशन हमारे शिल्प शास्त्रों में लिखा गया चाहे नॉर्थ के हो चाहे साउथ के नॉर्थ की उत्तर की मूर्तियों में उनका प्रभाव अधिक है अधिक है दक्षिण तक नहीं इसीलिए इन शिल्प शास्त्रों में सूर्य प्रतिमा का जो वर्णन दिया गया है वो सबसे अधिक जोर दिया उदित नॉर्दन की ड्रश हो ईरानी उदित्यवेश उदित क्या वक्ष में वर्म पहने हो चोलक पहने हो पैरों में उपाना बूट जैसे सॉक्स होते हैं ईरान के जो तो सॉक्स पहने हो बूट पहने हो इसको उसको इसको अधिक बल दिया गया है नॉर्दर्न ड्रेस ईरान का प्रभाव और बातें सब भारतीय हैं जैसे सूर्य की मूर्ति में उषा प्रत्युषा का अंकन बहुत पुराना है सबसे पहले सबसे पहले एक तरफ धनुष बाण से अंधकार को भगा रही उषा का उषा प्रतिष्ठा आगे चलकर सूर्य के और पत्नियों का विकास था राषुभा मध्ययुग की जो मूर्तियां हैं उन्हें ये मूर्तियां मिलती हैं हमने अपने चित्र उनका सप्ताश्व रथ हो सात घोड़ों से चलने वाला रथ हो रथ कैसा हो एक चक्र हवा में चलेगा तो एक ही दो चक्र के एक चक्र हो, उसमें छत्तीस या कितने उसके स्पोक्स हो आ रहे हो और उस रथ को अरुण सारथी हो बताया गया विस्तार से आया पंगु थे अरुण तो बैठे ही चलाए पंग अरुण उसके सारथी हो सूर्य भगवान ये भी विधान है कि उनके अगल बगल पार्श में दंड और लेखनी पत्र लिखते हुए दंड और पिंगल हो आपका भाग्य लिख रहा है दंड पंगल का चित्र तो सूर्य प्रतिमा नाच की कैसी बनी एक तो उसका उसकी वेशभूषा विष्णु की जैसे किरीट मुकुट हो और बाकी सब वनमाला सब आभूषण विष्णु जैसे हो लेकिन उजित ज्य वेश हो वक्ष पहने हो चोलक पहने हो बूट नॉर्थ की मुंह से बूटे पहने मिलेंगे आप बूट पहने हो ये पहने हो उठा से ये वर्णन मिलता है तो ये ये प्रभाव ईरान का है में ऐसी हाँ वही मगी और ये जो यहाँ अब मगन ब्राह्मण यहीं आके बस गए और इधर गोरखपुर की तरफ से यही ब्राह्मण रहते हैं। यही है यहाँ इसका संप्रदाय बढ़ गया सब बढ़ गया यही और उनके यहाँ इनके नॉर्थ में या उसमें उनकी एक पवित्र मेखला होती थी वो पहनते थे अववाघन क्या कहते थे हमने दिया तो वो मेखला भी पहने हो। तो वहाँ की ड्रेस आ गई वहाँ की परंपरा आ गई ये ना लेकिन साउथ में ये कम गया साउथ में इसलिए अभी आपने पूछा साउथ अब साउथ में नहीं है साउथ में वक्ष वर्म नहीं साउथ में चोलक नहीं है साउथ में बूट और मोजे नहीं है बेअुटेड साउथ में एक वक्ष में एक बधा होता है उदरबंध वो बन हमारे यहाँ तो अवैज्ञांगन होता है जैसे वनमाला विष्णु का होता है बड़े बारी ऐसे सूर्य की मूर्ति में अवैध होता है वो वो उधरबंध नॉर्थ में उधरबंध न मिलेगा साउथ में उधरबंध साउथ में जूते मोजे न मिलेंगे साउथ में ऐसे मिलेंगे विष्णु बैठे या खड़े और जो ऑब्जर्वेशन का अंतर है वो ये है कि जो मूर्तियां बनाई जाती हैं साउथ में सूर्य के उपकरण है पद्म कमल नॉर्थ में ये हाथ मुट्ठिया नॉर्मल रहती है और कमल डंडिया ऊपर तक जाकर फुल ब्लोन लोटस रहता है पूरा देख फुल ब्लोन लोटस साउथ में ये नहीं है साउथ में हाथ यहाँ ये यहाँ ऐसे ना रहे नॉर्मल नहीं रहे नॉर्थ वहाँ यहाँ तक है मुठिया और अधखिला कमल ऐसे जैसे कमल कहिए मुर जाए ऐसा वहाँ ऐसे कमल रहेगा नॉर्थ में ऐसा कमल मुख्य भेद दूसरा भेद ये कि वहाँ उदित नहीं है उदित बाकी शेष राग् प्रतिष्ठा उषा में सब चित्रण है सुदूर बिल्कुल जाओ बिल्कुल सुदूर दक्षिण में तो वहाँ सूर्य की मूर्तियाँ अकेले ही उनके पाश्चर्य चित्रण नहीं मिलता अकेले मूर्ति ये अंतर है नॉर्थ साउथ दोनों मूर्तियाँ रख दीजिए कोई भी बता देगा ये नॉर्थ की है ये साउथ की ये अंतर है